तो अब देखिए होगा क्या होगा, ये ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी क्यू मैक्स, ठीक है। अब लेकिन क्यू मैक्स नहीं निकालना, आपको निकालना है चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या निकालना है? चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है आपको। तो आपको ये निकालना है कुछ ऐसे, क्यू निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, समझ आ रही है? इस कैपेसिटर पे चार्ज निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। फाइंड आउट द चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक बात बताइए, क्यू मैक्स निकालना हो तो क्यू मैक्स कैसे निकालते हैं? क्यू मैक्स तो हम निकाल चुके हैं इस क्वेश्चन का, क्या है होता है क्यू मैक्स? क्यू मैक्स हो जाएगा इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस, कब? टी इक्वल टू इन्फिनिट पे। टी इक्वल टू इन्फिनिट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू इन्फिनिट पे देखा जाए तो इसमें करंट तो नहीं होगा, जीरो करंट होगा इसमें। तो हम कह सकते हैं जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, किस पर? टी इक्वल टू इन्फिनिट पे। तो टी इक्वल टू इन्फिनिट पे देखा जाए तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा, क्योंकि ये तो सर्किट बचेगी नहीं, ओपन सर्किट हो जाएगी, ठीक है। तो इस पर कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस? ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो कह सकते हैं वी बाई टू, तो वी बाई टू ही इस पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो इस पर अगर क्यू मैक्स की बात करें, क्यू मैक्स की, तो वो हो जाएगा सी वी बाई टू, ठीक है भाई। ये तो हमें पता लग गया कि क्यू मैक्स की अगर कोई बात करें तो हमें समझ में आता है कि ये क्या हो जाएगा, सी वी बाय टू। द इंपॉर्टेंट थिंग इज अब हमें इस पे क्यू निकालना है, समझना क्या निकालना है, क्यू। तो अब सुनो, इस पे जो क्यू बढ़ रहा है, इस पे क्यू जो चार्ज बढ़ रहा है वो किस करंट की वजह से बढ़ रहा है? यहां के करंट की वजह से, यहां के करंट की वजह से बढ़ रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहां पे अगर मैं करंट आई मानू तो जो आई है ना, यहां पे जो आई है ना, आई वो ही क्या है, यहां पे चार्ज के बढ़ने की रेट, यहां पे चार्ज के बढ़ने की, इस कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज के बढ़ने की रेट क्या है? आई, समझ आ रही है? क्योंकि इस आई की वजह से ही यहां पे क्या चार्ज आ रहा है, समझ आ रही है? अगर इस आई की बात करें तो ये आई तो यहां भी जा रही है, यहां भी जा रही है, तो इस आई की वजह से ओनली इस पे चार्ज नहीं आ रहा, बट ये इस पे जो चार्ज है क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट विल बी कैलकुलेटेड बाय द, कह सकते हैं कि इसके द्वारा हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। किसके? आई विल बी द करंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्ज, समझ आ रही है, ऑन दिस कैपेसिटर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। ये ध्यान रहे कि इस पे जो चार्ज है वो किसकी वजह से आ रहा है, इस आई की, मतलब ये जो आई है वो है क्या, इसके रेट चेंज होने की रेट, मतलब इस आई की मैं बात करूं तो ये आई है डी क्यू बाई डी टी, और क्यू क्या है, ये क्यू ये है, समझ आ रही है? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। अब हमको क्या निकालना है, आई निकाल लेते हैं, तो आप फिर निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखें, आई निकालना है मुझे, तो देखो कैसे निकालूंगा, यहां का पोटेंशियल जीरो, यहां का जीरो, यहां का जीरो, ठीक है। और यहां पे मान लो कि चार्ज आ गया है क्यू, और माइनस क्यू, क्यू क्या है, किसी टाइम टी पर यहां पे चार्ज क्या आ गया, क्यू आ गया, क्यू क्या है, चार्ज एट टाइम टी। तो कह सकते हैं यहां के अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो क्यू बाई सी, तो यहां पे पोटेंशियल कितना, क्यू बाई सी। तो अगर इसके अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, किसके, आर के अक्रॉस, देन वी कैन फाइंड द आई। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यहां का हमको पोटेंशियल पता ही नहीं है, यहां का पोटेंशियल पता ही नहीं है, तो इसको क्या मान लीजिए, एक्स, ये होगा एक्स, तो ये भी एक्स हो, समझ आ रही है? तो अगर हम कहें यहां ये आई जा रहा है तो ऐसे ही आई जा रहा होगा, ठीक है। अगर हम कहें एक्स अगर हमको निकालना है तो इस पॉइंट पर, जिसको मान लीजिए कुछ पॉइंट मान लीजिए डी पॉइंट मान लीजिए, ठीक है, क्या डी पॉइंट मान लीजिए, डी पॉइंट पे हमको जंक्शन लॉ लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा डी पॉइंट पे? जंक्शन लॉ। तो जंक्शन लॉ एट पॉइंट डी, जंक्शन लॉ क्या है, जंक्शन लॉ ये है कि यहां से इधर का जाने वाला करंट प्लस इधर का जाने वाला करंट प्लस इधर जाने वाला करंट इक्वल टू जीरो। मतलब हम जंक्शन लॉ आपको पता हो तो कैसे लगाते थे, देखो जंक्शन लॉ, मान लो ये पॉइंट है, इससे करंट आई वन इधर गया, इससे करंट आई टू इधर गया, इससे करंट आई थ्री इधर गया, तो हम क्या लिखते थे, आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री इक्वल टू जीरो, यही था ना जंक्शन लॉ, समझ आ रही है? मतलब यहां का अगर पोटेंशियल क्या एक्स है, मान लो ये पॉइंट है, इसका पोटेंशियल मान लो कुछ
V1 है और इसका पोटेंशियल V2 है और इसका पोटेंशियल मान लो V3 है, तो बताइए। और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस लगे हुए, रेजिस्टेंस लगे हुए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, इजीली निकाल सकते हैं, ये माइनस ये अपॉन इसका रेजिस्टेंस, ये क्या हो जाएगा I2, और ये माइनस ये इसका रेजिस्ट अपॉन ये रेजिस्ट, ये माइनस ये अपॉन इसका रेजिस्टेंस इक्वल टू I1, ये माइनस ये अपॉन इसका रेजिस्टेंस इक्वल टू I3, ठीक है ना। तो हम आराम से I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख लेते हैं इक्वल टू जीरो। ये जंक्शन लो कहाँ पे जानना है आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जानी है, कहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जानी है, ठीक है। तो ये जंक्शन लो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, देखो कैसे, ये देखिए एक्स माइनस क्यू बाई सी, एक्स माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर, इधर करंट जाने वाला, ठीक है, प्लस इधर करंट जाने वाला, प्लस इधर करंट जाने वाला को क्या कर दूंगा मैं, नेट जीरो। क्यों? क्योंकि एक जंक्शन पर नेट जो आने वाला करंट और जाने वाला करंट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, मतलब नेट करंट क्या हो जाता है जंक्शन पे, जीरो। समझ आ रही है, नहीं आ रही, तो ध्यान से देखिए, प्लस में क्या करूंगा, एक्स माइनस जीरो अपॉन आर, देखो यहां का करंट लिख दिया, और एक्स एक्स माइनस यहां का क्या पोटेंशियल वी, एक्स माइनस वी प्लस एक्स माइनस वी अपॉन आर इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया जंक्शन लो, तो यहाँ का करंट, तो ये तीनों करंट क्या कर दिए हमने, जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी आपकी, ये आएगी 3x माइनस q बाई सी माइनस v इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू आपका आ गया q बाई सी प्लस v अपॉन 3। जब x आ गया आपका, तो क्या आ गया हमारा, जब हमारा x आ गया, हमको x मिल गया, तो हम आसानी से क्या लिख सकते हैं बताइए, हम क्या लिख सकते हैं आसानी से, I की वैल्यू लिख सकते हैं। और I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू है x माइनस q बाई सी, x माइनस q बाई सी अपॉन द रेजिस्टेंस विच इज R, ठीक है। और I की वैल्यू क्या है, I है dq बाई dt, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर का रेट ऑफ चेंज ही है I, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं अपन dq बाई dt, तो इक्वल टू मैं लिखूंगा x माइनस q बाई सी, x क्या कैलकुलेट किया हमने, q बाई सी प्लस v बाई थ्री माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर। तो यहां से देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है क्यू बाई सी हो गया, थ्री यहां चला जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसको माइनस टू क्यू बाई सी। देखिए इसे कैलकुलेट करिए, थ्री इधर गया तो थ्री क्यू बाई सी माइनस थ्री क्यू बाई सी कितना बचा, माइनस टू क्यू बाई सी और अपॉन आर, और ये थ्री कहां गया नीचे, तो ये कह सकते हैं हम इट इज इक्वल टू सी वी माइनस टू क्यू अपॉन थ्री आर सी, और ये किसके इक्वल है, डी क्यू बाय डी टी। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि डी क्यू, यहां से क्या बोल सकते हैं, देखिए डी क्यू अपॉन सी वी माइनस टू क्यू इज इक्वल टू डी टी बाय 3RC, यहां से इंटीग्रेट करो, तो 0 से Q और 0 से T, क्योंकि T इक्वल टू 0, Q कितना था 0, T इक्वल टू T पर Q क्या है, कोई Q है, ठीक है। इसको मैंने अगर इंटीग्रेट किया तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वो है ln CV माइनस 2Q अपॉन CV 1 अपॉन माइनस 2, ठीक है। और इधर हो जाता है आपका T बाय 3RC, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके यहां देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं CV माइनस 2Q अपॉन CV इक्वल टू e रेस टू माइनस 2T बाय 3RC, और यहां से अगर Q की वैल्यू लिखना चाहे तो लिख सकते हैं CV बाय 2 1 माइनस e रेस टू माइनस 2T बाय 3RC। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक, और हम ज्यादातर चीजें शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तब, ठीक है, उस शॉर्ट ट्रिक को कैसे सीखेंगे। लेकिन कभी भी जब भी फंस जाओ आप कि दो तीन कैपेसिटर दे रखे हैं, बहुत ओलंपियाड का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, आपको सब्जेक्टिवली सॉल्व करना है, तो एकदम अच्छे से ऐसे करिएगा, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए ध्यान से,
क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी आई है, देखिए क्यू मैक्स सी वी बाई टू, और हमने मैक्सिमम वैल्यू देखो पहले ही सॉल्व कर लिया था क्यू मैक्स, वो कैसे कर लिया था, यहाँ पे हमने एक ओपन सर्किट मान लिया था, ओपन सर्किट मान के क्या है इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय द सी कर दिया था हमने, तो हमारा क्या निकल गया था, क्या निकल गया था क्यू मैक्स, ठीक है। सो शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी सॉल्व करने की, मैं आपको बता देता हूं, लिखिए देखो शॉर्ट ट्रिक ये है कि क्यू इक्वल टू, मैं आपको बता दूं क्या होता है, क्यू मैक्स वन माइनस ई रेस टू माइनस टी बाय आर इक्वलेंट इंटू सी। अब देखिए क्यू मैक्स क्या होता है, क्यू मैक्स तो होता है हमें पता है क्यू मैक्स इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, और वो हम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे निकाल सकते हैं, कैसे हमें पता ही है कि उसको एक ओपन सर्किट मानेंगे और सी इंटू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर विल बी द क्यू मैक्स, ठीक है। बट फॉर द आर इक्वलेंट आपको क्या करना है, फॉर द आर इक्वलेंट आपको मानना क्या है, आर इक्वलेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो क्या करना है मैं आपको बता दूं, ऑल द बैटरीज बाय अ सिंपल वायर, क्या रिप्लेस ऑल द बैटरीज बाय द सिंपल वायर मतलब सिंपल कंडक्टिंग वायर से उसको रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है, एंड फाइंड आउट द आर इक्वलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। देखो सिंपल आपको करना क्या है, रिप्लेस ऑल द बैटरीज बाय द सिंपल वायर, ठीक है, रिप्लेस ऑल द बैटरीज बाय द सिंपल वायर, सिंपल कंडक्टिंग वायर, एंड फाइंड आउट द आर इक्वलेंट अक्रॉस कैपेसिटर, फाइंड आउट द आर इक्वलेंट अक्रॉस कैपेसिटर। देखो कैसे सिंपल, इसको बैटरी है सिंपल वायर से रिप्लेस कर दो, ठीक है, इसके अक्रॉस क्या निकालना है हमको, आर इक्वलेंट निकालना है, इसके अक्रॉस क्या निकाल दीजिए, आर इक्वलेंट, तो यहां पे मान लीजिए इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, तो आर ए बी आपको निकालना है, यही है आर इक्वलेंट, समझ आ रही है, आर ए बी आपको निकालना है और यही क्या है आर इक्वलेंट। तो सुनिए ध्यान से, वेरी इजी, आप देखिए ये आर और आर कितना, आर बाय टू, क्योंकि ये दोनों क्या है पैरेलल में हो गए, आर और आर आर बाय टू, और ये आर किस में हो जाएगा फिर सीरीज में, तो यहां से जो आर इक्वलेंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3R/2 की वैल्यू आ रही है आर इक्वलेंट की, एंड क्यू मैक्स हमको बताइए, क्यू मैक्स कैसे निकाला था हमने बताइए, क्यू मैक्स यहां पे हम निकाल ही चुके थे पहले, ठीक है, तो क्यू मैक्स क्या था, क्यू मैक्स था हमारा सीवी बाय टू, जब क्वेश्चन शुरू किया था ना तभी हमने क्यू मैक्स निकाल लिया था, ठीक है। सो नाउ द वैल्यू ऑफ आर इक्वलेंट इज 3R/2 बाय द शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, तो अपन इसमें रख सकते हैं, देन वी कैन फाइंड द सेम वैल्यू ऑफ क्यू एट टाइम टी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो उसको कैसे निकालने की कोशिश करोगे, तो रिप्लेस ऑल द बैटरीज सो फॉर दिस क्वेश्चन इफ आई आस्क यू कि फाइंड आउट द क्यू चार्ज ऑन कैपेसिटर इन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या निकालना है, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्यू निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, मतलब किसी टाइम टी पर क्यू कितना होगा वो आपको निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे सुनी ध्यान से, वो सिंपल अपन क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स वन माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई आर इक्वलेंट टू सी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू मैक्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्यू मैक्स निकालने के लिए क्या करते थे, वी विल टॉक अबाउट द टी इक्वल टू इन्फिनिट, टी इक्वल टू इन्फिनिट की बात करेंगे तो बताइए इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, ओपन सर्किट, तो यहां पर ओपन सर्किट,
ओपन सर्किट हो जाएगा। अब बताइए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो यहाँ इसके इन दोनों के अक्रॉस होगा, क्योंकि इसमें तो करंट जाएगा नहीं, इसमें करंट नहीं जाएगा तो रेजिस्टेंस कैसा बिहेव करेगा? रेजिस्टेंस करेगा एक सिंपल वायर की तरह बिहेव, क्योंकि इसमें करंट ही नहीं जा रहा तो पोटेंशियल ड्रॉप ही नहीं होगा। तो कह सकते हैं यहाँ पे जीरो 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 जीरो, और यहाँ कह सकते हैं हम कि जो करंट फ्लो करेगा यहाँ से वो कितना करेगा, सिक्स और थ्री कितना, सिक्स और थ्री, वन का तो कोई काम नहीं रहा, ओपन सर्किट में चला गया वो, सिक्स और थ्री कितना पैरेलल में दोनों, तो कह सकते हैं टू, ठीक है ना? और टू किस में, सीरीज में, फोर, फोर, तो यहाँ से कह सकते हैं 10/4 एम्पियर क्या जाएगा, करंट यहाँ से जाएगा। 10/4 एम्पियर का मतलब 2.5 एम्पियर। अब टू ये है और टू ही ये है, समझ आ रही है? तो इसका मतलब कह सकते हैं यहाँ से 2.5 एम्पियर गया, और क्या है कि कुछ करंट यहाँ से जाएगा कुछ करंट यहाँ से जाएगा। तो आप कह सकते हैं पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो कैसे निकालेंगे बोलो? इसके इससे पोटेंशियल ड्रॉप ड्रॉप कितना होगा, 2 ओम से, 2 ओम से कितना होगा करंट मल्टीप्लाई बाय द रेजिस्टेंस विच इज 5 वोल्ट, ठीक है? सो इफ जीरो यहां पे है, यहां पे कितना था 10 वोल्ट, तो यहां पे कितना होगा 10 - 5 विच इज 5 वोल्ट, तो यहां पे 5 वोल्ट, तो यहां से कह सकते हैं 5 वोल्ट, यहां पे कह सकते हैं 5 वोल्ट। तो अब बताइए इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो क्यू मैक्स, ये 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कब है, टी इक्वल टू इन्फिनिट की बात हो रही है यहाँ पे, टी इक्वल टू इन्फिनिट पे भी रिप्लेस्ड एज अ ओपन सर्किट, ओपन सर्किट, ठीक है? तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू सी, सी कितनी थी 2 माइक्रोफेराड, कितनी दे रखी थी मैंने 2 माइक्रोफेराड, तो 2 माइक्रोफेराड मल्टीप्लाई बाय द 5 वोल्ट, तो कह सकते हैं 10 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम इज द क्यू मैक्स। एंड नाउ वी नीड टू राइट आर इक्वलेंट, आर इक्वलेंट के लिए मैंने क्या बोला था, आर इक्वलेंट के लिए मैंने बोला था कि रिप्लेस द बैटरी बाय अ सिंपल वायर, रिप्लेस द बैटरी बाय अ सिंपल वायर एंड फाइंड आउट द आर इक्वलेंट अक्रॉस दीज पॉइंट्स, समझ आ रही? तो वो कैसे निकालेंगे देखो, ये 2 और 3 किसमें है, 2 और 3 और 6 किसमें है पैरेलल में, तो देख सकते हैं आप 6 और 3 का पैरेलल में 2 और 2 और 2 का कितना 1, और 1 और 1 किसमें आ जाएंगे सीरीज में, तो 2, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहां पे आ जाती है 2 ओम, समझ आ रही? तो यहां से ये लिख सकते हैं आसानी से 10 माइक्रोकूलम मल्टीप्लाई 1 - t बाय 2 C, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आर इक्विवेलेंट आसानी से निकल जाता है, आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करो, इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़ो। ये प्लेन वायर से हमने रिप्लेस कर दिया सिंपल वायर से, तो ध्यान से देखिए ये 2 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम तीनों पैरेलल में हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो तीनों का जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 6 और 3 का कितना 2, 2 और 2 का कितना 1, समझे समझे या नहीं समझे? इन तीनों का क्या निकालेंगे इक्विवेलेंट, वन और वन किस में आ जाएंगे फिर सीरीज में, तो यहां से क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट 2। तो आप इसको निकाल के देखिए, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि आर इक्विवेलेंट तुमको लिख लिख के निकालूं, 1 upon R equivalent = 1 upon R1 + 1 upon R2 + 1 upon R3, अच्छे से करिएगा, पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पढ़िएगा, आर इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए यहां तक पहुंचते वक्त, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनिए, अब मैं आपको कराने वाला हूं सिंपल डिस्चार्जिंग सर्किट, क्या कराने वाला हूं, सिंपल डिस्चार्जिंग सर्किट कराने वाला हूं, लिखिए। सिंपल डिस्चार्जिंग सर्किट, सो व्हाट इज सिंपल डिस्चार्जिंग सर्किट, सिंपल सी बात, मान लीजिए दिस इज द कैपेसिटर एंड दिस इज रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड टू द कैपेसिटर। इनिशियली इफ आई टॉक अबाउट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना है, Q0। देखो ध्यान से, एक कैपेसिटर था मेरे पास, उस कैपेसिटर को मैंने क्या किया, एक बैटरी बाहर पड़ी हुई थी उससे चार्ज किया, उससे चार्ज किया एकदम से, कितना चार्ज ले लिया उस पर, Q0, मतलब उसको मैक्सिमम चार्ज कर लिया,
ठीक है, उस पर क्यू नॉट चार्ज आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको तोड़ के वहां से रेजिस्टेंस लगा दिया, मतलब तोड़ के रेजिस्टेंस के साथ में ये लगा दिया, समझ आ रही है ध्यान से। मैंने इसको चार्ज किया पहले और फिर रेजिस्टेंस के साथ में चिपका दिया। अब सुनो ध्यान से, ये रेजिस्टेंस आर है, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूं तो पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कितना है, क्यू नॉट बाई सी है या नहीं है, क्यू नॉट बाई सी पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसके अक्रॉस भी कितना आ जाएगा, क्यू नॉट बाई सी आ जाएगा। शुरुआत की बात कर रहा हूं, एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो, यही तो सिचुएशन होगी ना। तो क्या कह सकते हैं हम, ये कह सकते हैं कि इसमें अगर करंट करंट फ्लो होगा, अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, देन वी कैन से करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अगर रेजिस्टेंस में करंट फ्लो होगा तो होगा क्या, यहां से चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब यहां से चार्ज आके यहां पे जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब क्यू की क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, समझ आ रही है नहीं आ रही, क्यू नॉट की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। सो वी नीड टू फाइंड, क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है हमको, कि मान लीजिए किसी टाइम टी पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना है क्यू, तो वो क्यू की वैल्यू निकालनी है, किसी टाइम टी पर कैपेसिटर पर चार्ज कितना रहेगा वो निकालना है हमको, तो निकालिए। तो मान लीजिए दिस इज द कंडीशन फॉर टी इक्वल टू जीरो, इफ आई टॉक अबाउट द कंडीशन एट टी इक्वल टू टी, देन वी कैन ड्रॉ दिस लाइक दिस, इफ दिस इज चार्ज क्यू एंड ये चार्ज माइनस क्यू, ये किसकी कंडीशन है, किसकी कंडीशन है, टी इक्वल टू टी की, ये आर है, बताइए इसके अक्रॉस क्यू बाई सी, इसके अक्रॉस बोलिए क्यू बाई सी, तो यहां पे करंट फ्लो करेगा, मान लीजिए आई, समझ आ रही है, तो आई कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा क्यू बाई सी बाई आर, समझ आ रही है, क्यू बाई सी बाई आर, क्यों, क्योंकि दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड अपॉन आर दिस इज द करंट। देन वी कैन राइट व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस करंट, करंट क्या कर रही है, ये क्या है, क्यू के चेंज होने की रेट है, बट क्यू के चेंज होने की रेट तो है, बट यहां पे हमको पता है क्यू इज डिक्रीजिंग, क्यू इज डिक्रीजिंग, देन डी क्यू बाई डी टी विल बी नेगेटिव, देन वी कैन से वी कैन राइट दिस माइनस डी क्यू बाई डी टी, ये क्यू कौन सा, ये क्यू कौन सा, ये वाला क्यू, और ये क्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए हमने यहां पे क्या एक माइनस लगाया, एक माइनस लगाया है, ध्यान रहे माइनस क्यों लगाया है, बिकॉज क्यू इज डिक्रीजिंग, सो दिस वैल्यू विल बी नेगेटिव, और इस टोटल को पॉजिटिव करने के लिए हमने एक माइनस यहां पे लगा दिया है, क्योंकि ये किसके इक्वल होनी चाहिए, एक पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि इधर आर पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, और क्यू भी क्या है, पॉजिटिव ही है, समझ आ रही है, क्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बट क्यू है तो पॉजिटिव ही ना, क्यू क्या है, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्या देते हैं, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनिए इसको इंटीग्रेट कैसे करें, देखिए इट इज वेरी सिंपल, वी कैन इंटीग्रेट इट, पहले अरेंज कर लेते हैं, देखो अरेंज क्या करें, डी क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू माइनस डी टी बाय आर सी, सो वी कैन डिफरेंशिएट, वी कैन इंटीग्रेट इट, बताइए क्यू कहां से कहां, मैक्स टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर क्यू कितना था, क्यू नॉट, और क्यू नॉट ही क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है नहीं है क्यू की, बिल्कुल है, और t इक्वल टू टी पर ये हो गया मान लीजिए q, तो इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन वी कैन से दिस इज ln q एंड लिमिट इज फ्रॉम q नॉट टू q एंड दिस इज माइनस t बाय आर सी, सो दिस इज ln q अपॉन q नॉट इक्वल टू माइनस t बाय आर सी, so q equal to q naught e raised to minus t by rc, so this is the value of कह सकते हैं q, और q की जो maximum value है, maximum value q naught वो कितनी है, बोलो कितनी है, q naught, so q की maximum, this is the maximum value of q, ठीक है, और यहां पे अगर current निकालूंगा तो i क्या होगा, minus dq by dt, which will be equal to q naught upon rc e raised to minus t by rc, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका करंट, तो करंट विल बी इक्वल टू q naught by
आर सी ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी, और इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू आई नॉट टू माइनस टी बाय आर सी, और यहाँ पे कह सकते हैं आई नॉट इज द मैक्सिमम करंट, और वो कितना है क्यू नॉट बाय आर सी। मैक्सिमम करंट कब होगा टी इक्वल टू जीरो पे, देखिए क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा उसी टाइम पे, वो क्या होगा क्यू नॉट बाय सी अपॉन आर कर दूंगा तो आई मैक्स निकल आएगा एट टी इक्वल टू जीरो, और वही यहां से आ रहा है फॉर्मूले से। ठीक है, इनके अगर ग्राफ बनाना चाहूं तो वो कैसे बनाएंगे जानने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। देखिए क्यू का ग्राफ है, ग्राफ अगर मैं बनाऊं तो देखिए ध्यान से, If I draw the graph, then we can say, with respect to time, अगर मैं बात करूं तो Q is decreasing. The maximum value of Q is Q naught. It is just like that. ठीक है ना, तो क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं बात करूं T equal to tau पर, tau क्या है वन टाइम कॉन्स्टेंट, तो वन टाइम कॉन्स्टेंट पर अगर वैल्यू देखूं तो Q की वैल्यू कितनी है Q naught e रेस टू माइनस वन, जो क्या आती है 37 क्यू नॉट, मतलब 37% ऑफ क्यू नॉट रह जाती है। मतलब कह सकते हैं ये कुछ t इक्वल टू आर सी पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 0.37 क्यू नॉट। सो दिस इज वेरी इजी। अगर आपको पूछ लिया जाए कि अगर क्यू नॉट इतना है तो सिंपल आपको बहुत सारी चीजें पूछ सकता है, जैसे कि हम निकाल के रख लेते हैं, मान लीजिए Q कितना है, Q आपका दे रखा है Q नॉट ई रेस टू Q इक्वल टू Q नॉट ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर मैंने वी सी पूछा तो वी सी क्या हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, क्या हो जाएगा बोलो Q बाय सी। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा Q नॉट बाय सी ई रेस टू माइनस टी बाय टाव, टाव क्या है आर सी, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। वी आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा आई इंटू आर, और आई कितना दे रखा है देखो आई दे रखा है ये, तो क्यू नॉट बाई सी ई रेस टू माइनस टी बाई टाव। ठीक है, अगर मैं पूछ लूं एनर्जी इन द कैपेसिटर, एनर्जी इन द कैपेसिटर विल बी हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई टू सी। ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई टू सी एट टाइम टी, क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो क्यू स्क्वायर बाई टी सी क्या हो जाएगा क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन टू सी ई रेस टू माइनस 2t by RC। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर कितना हो जाएगा इंस्टेंटेनियस पावर I स्क्वायर R, I कितना है बोलो Q नॉट by RC स्क्वायर e रेस टू माइनस 2t by RC into R, यहां से आ जाएगा ये Q नॉट स्क्वायर by RC स्क्वायर e रेस टू माइनस 2t by RC। ठीक है, और अगर आपको हीट पूछ लिया, हीट कितनी जनरेट होगा तो हीट भी निकाल सकते हो आप। हीट कैसे निकालोगे बोलो, स्क्वायर रूट ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, और आई स्क्वायर आर की वैल्यू कितनी दे रखी है ये। ठीक है, तो ऐसे आप हीट भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्चार्जिंग सर्किट। और भी इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं कि अगर मान लो ऐसे पूछ लिया आपको पूछ लिया फाइंड आउट द टाइम व्हेन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू, तो एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर क्या है, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो इसके लिए क्या निकालना है आपको टाइम फॉर किसके लिए, एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर इज हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो क्या करेंगे हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है देखो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी और इसका हाफ,
मतलब ई की वैल्यू कितनी हो जाए, ई सी की वैल्यू हो जाए क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c का हाफ हो जाए, ठीक है। उसके लिए टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, क्यू नॉट स्क्वायर बाय 2c इक्वल टू a रेज़ टू 2t बाय rc। तो यहां से t अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कहूं कि q की वैल्यू क्या रख दीजिए, q नॉट बाय रूट टू, मतलब q की वैल्यू q नॉट बाय रूट टू रखने का मतलब भी तो यही है ना, q की वैल्यू q नॉट बाय रूट टू हो जाए तब भी तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी ना। q की वैल्यू q नॉट बाय रूट टू हो जाएगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी इन द कैपेसिटर, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, ध्यान से सुनिए, एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखिए। सो द क्वेश्चन इज, दिस इज द क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं। सो द क्वेश्चन इज, यू कैन राइट द क्वेश्चन, ठीक है। एट t इक्वल टू जीरो एस वन इज क्लोज्ड, कह सकते हैं एट t इक्वल टू जीरो, एट t इक्वल टू जीरो एस वन इज क्लोज्ड, मतलब t इक्वल टू जीरो पे s1 क्या है, क्लोज कर दिया। t इक्वल टू जीरो पे क्या किया, s1 क्लोज किया है, मतलब s2 क्या है, ओपन है, s2 ओपन है t इक्वल टू जीरो पर, ठीक है, s2 क्या है, ओपन है। एट t इक्वल टू rc s1 इज ओपन, क्या कर दी, एट t इक्वल टू rc s1 इज ओपन, ठीक है ना। एंड s2 क्लोज्ड, s2 इज क्लोज्ड, ठीक है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट द q एट t इक्वल टू आर सी, थ्री आर सी क्या निकालना है, फाइंड आउट द q, q क्या है, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इक्वल टू थ्री आर सी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको समझ में आ जाए तो ठीक है। देखिए मैं बताऊं आपको, एट t इक्वल टू जीरो पर s1 क्लोज किया है, s1 क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये सर्किट अभी है नहीं, यही सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट है। और ये सर्किट कितने तक चली, t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू rc तक चली है, मतलब rc तक, वन टाइम पीरियड तक, सॉरी वन टाइम कॉन्स्टेंट तक क्या चार्ज हुआ है, कैपेसिटर चार्ज हुआ है, वन टाइम कॉन्स्टेंट तक कैपेसिटर चार्ज हुआ है। तो वो देखिए कितना चार्ज हो गया, उस पे जो q आ गया है ना, q वैल्यू जो q q आ गई है वो कितनी आ गई है, वो आ गई है c, अगर देखा जाए तो c v तो होगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और q की वैल्यू होती क्या है, मैक्सिमम वैल्यू c v 1 माइनस e रेस टू माइनस t बाय आर सी, ये होती है, ठीक है। हुआ क्या है कि s1 t इक्वल टू जीरो पर क्लोज किया है, मतलब t इक्वल टू rc तक ये चार्ज होता रहा है, कौन, कैपेसिटर। तो t इक्वल टू rc तक कितना चार्ज हो जाएगा, t इक्वल टू rc यहां पे फिट कर देंगे, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू cv क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि यहां पे ये सर्किट है और ये सर्किट है। तो देखो अगर देखा जाए t इक्वल टू इनफिनिट पर, t इक्वल टू इनफिनिट पर देखा जाएगा तो ये ओपन सर्किट, ये ओपन सर्किट, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, v के इक्वल ही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, q max इक्वल टू cv, ठीक है। तो आपको पता है कि q की वैल्यू अगर देखा जाए, q की वैल्यू किस पर, एट t इक्वल टू, एट t इक्वल टू rc, एट t इक्वल टू rc q जो हो जाएगा ना कैपेसिटर पर, वो हो जाएगा cv 1 माइनस 1 अपॉन e, क्योंकि t इक्वल टू rc पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन e, तो ये हो जाएगा, मतलब कहें तो cv e माइनस 1 अपॉन e, ये हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी आती है, याद भी होगा आपको, 63% ऑफ CV, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या हुआ, अब जो सेकंड केस है, सेकंड केस में क्या कर दिया कि at t equal to RC S1 close, S1 क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और S2 क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब S2 क्लोज हो गया, ठीक है, S2 हो गया क्लोज, और ये क्या हो गया, ओपन हो गया। कहां से कहां तक है ये, t equal to RC से t इक्वल टू आर सी से t इक्वल टू थ्री आर सी तक, यही तो सिस्टम है। ये एस टू क्लोज कहां तक है, थ्री आर सी तक, क्योंकि थ्री आर सी पे तो निकालना है चार्ज की वैल्यू ऑन द कैपेसिटर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से,
तो अब अगर देखा जाए, अब अगर देखा जाए तो ये सर्किट का तो कोई काम रहा नहीं, ये सर्किट बनी, ये सर्किट बनी तो इसमें क्या हुआ देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि इसमें अगर इसको मैं अलग से बनाऊं सर्किट को तो क्या बना सकता हूं कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितने का 2R का, क्योंकि R और R कितना 2R, और एक कैपेसिटर लगा हुआ है और वो कितना चार्ज है उस पर इनिशियली, जो Q नॉट हम बोलते थे वो कितना चार्ज है Q नॉट, यहां पे अभी कितना चार्ज है इनिशियली जब शुरू हो रही है ये वाली सर्किट शुरू हो रही है, कितने पे शुरू हो रही है T इक्वल टू आर सी पे है, तब कितना चार्ज है Q नॉट, ये वाला चार्ज है वो कितना है CV E माइनस वन अपॉन E, ये चार्ज है इसके पास। अब कितने टाइम तक चल रही है RC से 3RC, मतलब कितना टोटल टाइम चली 2RC, मतलब टाइम कितना चली, टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग कितना है, डिस्चार्जिंग टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग है 2RC, टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग कितना है 2RC, टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग 2RC, देख सकते हैं, देख सकते हैं RC से 3RC चल रही है ना ये, ठीक है, तो डिस्चार्जिंग का टाइम कितना है 2RC, तो लगा दीजिए डिस्चार्जिंग के लिए फॉर्मूला क्या होता है Q इक्वल टू Q नॉट e रेस्ट टू माइनस t बाय RC, और यहाँ पे R क्या होता है जो सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, ये सर्किट है ना ये वाली रेजिस्टेंस, तो इसमें सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है 2R का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो 2R इनटू C, तो Q नॉट की वैल्यू कितनी है इतनी, तो कह सकते हैं कि Q विल बी इक्वल टू CV E माइनस वन अपॉन E, ये तो क्या होगी Q नॉट की वैल्यू, और E रेस टू कितना T कितना जितने तक डिस्चार्ज होती रही वो है 2RC, तो कह सकते हैं ये आ जाएगा माइनस 2RC अपॉन 2RC, तो फाइनल वैल्यू की बात करें तो ये आ जाएगा CV E माइनस वन अपॉन E स्क्वायर, सो दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट T इक्वल टू 3RC, T इक्वल टू 3RC पर ये हो जाएगा टाइम ऑन द कैपेसिटर, समझ आ रही है, यहां पे मैंने 2RC क्यों रखा, क्योंकि डिस्चार्जिंग जो हुई है वो कितने तक हुई है 2RC टाइम तक हुई है, ठीक है ना, डिस्चार्जिंग कितने टाइम तक हुई है 2RC तक, मतलब नीचे वाली सर्किट ने क्या किया, इसको कैपेसिटर को चार्ज किया, कितना चार्ज किया, इतना चार्ज किया Q नॉट, ठीक है ना, अब इसके बाद में क्या हुआ, इसको डिस्चार्जिंग में लगा दिया, डिस्चार्जिंग में क्या हुआ कि ये T इक्वल टू RC से T इक्वल टू 3RC तक क्या हुआ, डिस्चार्ज हुआ, और तो टाइम कितने तक डिस्चार्ज हुआ 2RC तक हुआ, और 2RC को मैंने यहां पे रखा तो हमको ये आंसर आया, सो दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट T इक्वल टू 3RC, ठीक है ना, लिखिए ये मान लीजिए दे दिया था आपको 20 वोल्ट और ये दे दिया था आपको 5 वोल्ट और ये है 3 माइक्रोफेराड एंड ये है 2 माइक्रोफेराड, ये याद करिए, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, याद करिए, हम क्या पूछते थे इसमें, हम पूछते थे कि बताइए फाइंड आउट द हीट जनरेटेड इन दिस सर्किट, या फिर ये भी पूछ लेते थे कि फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर्स, या ये भी पूछ लेते कि थे कि फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर्स क्या है, तो आपको याद है ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं, याद करिए ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं, और ऐसे क्वेश्चन किए हैं तो उनमें क्या किया था, हमने शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको, स्मार्ट सॉल्यूशन जिसको बोला था हमने, क्या बोला था, स्मार्ट सॉल्यूशन में क्या बोला था हमने, ये बोला था निकालने के लिए कि इसका अगर निकालना है तो ऐसा मान लीजिए इन प्लेट्स को और इनका जो चार्ज है वो क्या कर दीजिए, कॉन्स्टेंट कर दीजिए, तो चार्ज कॉन्स्टेंट कैसे करते थे कि ये मान लिया था हमने कि फाइनली जो होता है वो इसके और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, मान लीजिए फाइनल हो गया V फाइनल, ठीक है, यहाँ माइनस या प्लस, तो इनिशियल चार्ज इस पे कितना है बोलो 40, यहाँ पे माइनस 40, इनिशियल चार्ज इस पे कितना है 15 और यहाँ पे कितना माइनस 15, ठीक है, तो हम क्या करते थे बताइए, हमने सिंपल यहाँ पे फाइनल अगर लिखना है, फाइनल चार्ज तो कितना होगा 2VF और यहाँ पे कितना होगा बोलो 3VF, और हम क्या करते थे, इनिशियल चार्ज कितना 40 प्लस 15 इक्वल टू फाइनल चार्ज कितना 2VF प्लस 3VF, तो यहां से VF की वैल्यू निकालते थे, वो क्या निकालते थे बोलो, ये हो जाएगा 55 अपॉन 5 11 वोल्ट, और इन्हें 11 वोल्ट निकालने के बाद में हम निकालते थे क्या निकालते थे कि यहां का चार्ज कितना हो जाएगा बोलो, यहां का चार्ज हो जाएगा 22
और यहाँ का चार्ज -22 और यहाँ का चार्ज कितना हो जाता है 3 × 2 = 33 और यहाँ का चार्ज -33। फिर देखा जाता है कि यहाँ पे पहले कितना था 40, यहाँ पे कितना है 22, मतलब कुछ चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो कर गया, वो कितना 18, समझ आ रही है, और 18 चार्ज आके यहाँ ऐड हो गया, तो 15 + 18 कितना हो गया 33। और जब ये चार्ज फ्लो का प्रोसेस चल रहा होता है तो उसमें हीट क्या होता है, हीट जनरेट भी होता है। हीट जनरेट क्यों होता है, जैसे कि हमने इनिशियल सिचुएशन लिखी थी कि इनिशियल एनर्जी अगर कैपेसिटर में लिखनी है तो क्या लिखते थे, Q² / 2C1 और प्लस Q² / 2C, मतलब दोनों के लिए लिखते थे, ये 1 1 मान लो, ये 2 2 मान लो, समझ आ रही है। तो क्या लिखेंगे इनिशियल वाली, इनिशियल इस पर कितना था 40² / 2 × C कितना था इसका 2, प्लस अगर फाइनल की बात करें तो फाइनल कितना है बोलो, Q2, बोलो Q2 कितना था, सॉरी फाइनल नहीं, सेकंड वाले पे इनिशियल कितना था चार्ज बोलो, 15² / 2 × C कितना है 3। तो देखो क्या हो जाएगा, या देखो ध्यान से, तो ये इनिशियल एनर्जी निकल जाएगी, इनिशियल एनर्जी निकल जाएगी तो क्या निकलेगा, फाइनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, जो फाइनल चार्ज निकले उनसे फाइनल एनर्जी निकालेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे फाइनल चार्ज कितना है 22, तो 22² / 2 × C, समझ आ रही है, और यहाँ पे फाइनल चार्ज कितना है 33, तो 33² / 2 × 3, तो ये फाइनल एनर्जी निकल जाएगी। आपको पता लगेगा कि इनिशियल एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है, और फाइनल एनर्जी जो होती है वो कम होती है। तो हम फिर पता करते हैं कि यार ये एनर्जी गई कहाँ, तो वो एनर्जी जो जाती है वो हीट में जाती है। तभी हमने आपको कहा था कि जो एनर्जी जा रही है वो किस में जा रही है, हीट में जा रही है, और हीट में जा रही है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ना कोई रेजिस्टेंस लगा होगा, उसी की तो हीट में जा रही है ना, क्योंकि उस रेजिस्टेंस के थ्रू क्या है, जब चार्ज फ्लो किया होगा तो क्या है, उसने हीट जनरेट की होगी I²R के अकॉर्डिंग, समझ आ रही है नहीं आ रही, तो बड़े ध्यान से समझिए। इसी में अब हम क्या निकाल रहे हैं, एक और नया फॉर्म निकाल रहे हैं, वो मैं बताता हूँ कि क्या निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या, मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कि अगर मान लो हमको पता है कि इसमें एक रेजिस्टेंस लगा होगा तो उसको आर का मान लीजिए, ये तो पता है ना रेजिस्टेंस लगा होगा, क्यों पता है रेजिस्टेंस लगा होगा, क्योंकि हमें पता है कि हीट जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है तो वो कहाँ से हो रही है, वो हो रही है हमारी रेजिस्टेंस से हो रही है, ठीक है, और रेजिस्टेंस से हीट जनरेट हो रही है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ध्यान से देखिए, हम कह सकते हैं कि यहां से क्यों क्या है ऐसे फ्लो कर रहा है, समझ आ रही है। अब सुनो ध्यान से कि मान लीजिए किसी टाइम टी पर यहां पे क्या है, जो चार्ज है वो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जो चार्ज होगा यहां का वो क्या होगा, चेंज ऐसे थोड़ी ना हो जाता है, इनिशियल सिचुएशन ये बना के रख दिए, दोनों चार्ज किए हमने और ऐसे ये रख दिया, ऐसे ये रख दिया, दोनों कनेक्ट कर दिए, फिर क्या होगा, एक स्टडी स्टेट आएगा, और स्टडी स्टेट पे क्या होगा, इनका फाइनल क्या पता लगेगा, स्टडी स्टेट पे फाइनल चार्ज आएगा, ठीक है ना, स्टडी स्टेट पे। लेकिन इनिशियल चार्ज से फाइनल चार्ज आने तक तो चार्ज तो चेंज होगा ना टाइम के साथ में, समझ आ रही है, तो वो चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको निकालना है, क्या निकालना है, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए इनिशियल चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर क्या है, बोलो 40 है ना इनिशियल चार्ज, इधर कितना है -40, यहां पे इनिशियल चार्ज कितना है 15, यहां पे कितना है -15, ठीक है। अब मानिए कि यहां से यहां चार्ज फ्लो करना शुरू कर गया, मतलब यहां पे यहां करंट फ्लो करना शुरू कर गया, मतलब यहां से मान लीजिए Q चार्ज फ्लो कर गया, यहां से कितना चार्ज फ्लो कर गया, Q चार्ज फ्लो कर गया, ठीक। किसी टाइम T पर यहां पर चार्ज जो हो गया वो कितना हो गया 40 - Q, ठीक है, ये किसी टाइम T की कंडीशन में लिख रहा हूं, किसी टाइम T की कंडीशन, तो यहां पर जो चार्ज आ गया वो क्या आ गया, यहां पर चार्ज कितना आ गया, सॉरी -Q, समझ आ रही है नहीं आ रही, ध्यान से समझने की कोशिश करो, यही सिचुएशन ऐसी होने वाली है, ठीक है, यहाँ पे -Q होगा, यहाँ पे +Q हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे +Q ऐड होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -Q, तो दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, एट टाइम टी पे हमने क्या मान लिया कि यहां से क्यू चार्ज फ्लो कर गया है, ठीक है। आप सुनिए, यहाँ पे करंट कुछ फ्लो कर रहा होगा उस टाइम टी पर, करंट फ्लो कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा बताइए, कर रहा होगा इजीली, ठीक है, और वो किस पर डिपेंड करेगा, इसके चेंज होने की रेट पर,
जो ये क्यू जो फ्लो कर रहा है ना इधर, ये क्यू फ्लो कर रहा है ना इधर, अरे क्यू फ्लो कर रहा है ना, उसके चेंज होने की रेट पर डिपेंडेंट कर रहा, डिपेंड हो रहा होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए अगर देखा जाए तो यहां पे अगर मैं पोटेंशियल लिखूं तो पोटेंशियल क्या लिखूंगा, आई इंटू आर। यहां पे अगर मैं पोटेंशियल लिखूं तो क्या लिखूंगा, 40 माइनस क्यू, ये क्या चार्ज अपॉन टू। यहां पे अगर लिखूंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा, प्लस और माइनस कितना, 15 प्लस क्यू बाय बोलिए 3, ठीक है। तो हो क्या गया, बस आसान हो गया। अब देखिए हम यहां पे क्या लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यहां से यहां गए, फिर यहां से इधर गए, फिर यहां से इधर गए, ठीक है, फिर यहां से इधर गए, ठीक है, ऐसे हम लगाएंगे। तो मान लीजिए ये माइनस ये प्लस माइनस ये, ऐसे कुछ लिखेंगे, मान लीजिए ये मान लीजिए वी वन मान लीजिए, ठीक है, और ये मान लीजिए कुछ वी टू वी थ्री, और ये मान लीजिए क्या वी टू। तो हम यहां क्या लिखेंगे, माइनस से प्लस इधर जाओ तो क्या प्लस वी वन, प्लस से माइनस जाओ माइनस वी टू, प्लस से माइनस जाओ माइनस वी थ्री इक्वल टू जीरो, सिंपल। तो वी वन क्या लिखूंगा मैं बताइए, 40 माइनस क्यू बाय टू माइनस वी टू माइनस आई आर माइनस वी थ्री, 15 प्लस क्यू बाय थ्री और इक्वल टू जीरो। ये क्या लगा दिया मैंने, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया है। इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इट इज वेरी सिंपल वेरी इजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझो। ये आई क्या है, इस क्यू के चेंज होने की रेट है, नहीं है, यहाँ से क्यू चार्ज मान लीजिए किसी टाइम टी पर तक फ्लो कर गया है, समझ आ रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये क्यू के चेंज होने की रेट क्या है, आई है। तो आई की वैल्यू को हम ये भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करके तो ये क्या आता है, 120, मैंने 2 और 3 को एलसीएम ले लिया, ठीक है, 6 एलसीएम लेके क्या मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो क्या हो गया, सॉरी 3 और 2 को एलसीएम लिया, ठीक है, तो 6 लेंगे एलसीएम, तो हम क्या कह सकते हैं, दिस इज माइनस 3 क्यू माइनस 6, और आर इक्वल टू 2 ले लो आप, आर इक्वल टू आप कितना ले लो, 2 ले लो, ठीक है, तो R इक्वल टू 2 ले लोगे तो यहाँ पे 6 R और R क्या है 2 है, तो लिख लो पहले, तो 6 आई आर माइनस 30 माइनस 2 क्यू इक्वल टू 0। तो यहां से देखेंगे 120 माइनस 30 इज 90, 3 क्यू माइनस 5 क्यू और my r इक्वल टू क्या है 2 है, तो इसको 12 IR ये लिख सकते हैं आराम से, 12 I इक्वल टू 0। तो यहां से आसानी से लिख सकते हैं अपन, क्या देखिए 12 I इक्वल टू 90 माइनस 5 क्यू, तो 12 I को क्या लिख सकता हूं मैं, डी क्यू बाय डी टी, तो 90 माइनस 5 क्यू, देखिए डी क्यू अपॉन 90 माइनस 5 क्यू इक्वल टू डी टी बाय 12, और यहां से क्या कर देंगे इंटीग्रेट, टी इक्वल टू 0 पे क्यू इक्वल टू क्या था 0, अरे स्मॉल क्यू कितना था 0 था ना, मतलब यहां से चार्ज कितना गया था 0, टी इक्वल टू 0 पे तो ये क्यू की वैल्यू कितनी थी, स्मॉल क्यू की वैल्यू 0, ठीक है ना, और टी इक्वल टू टी पे मान लीजिए एक हो गई क्यू, तो इसको अपन थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, यहां देखिए तो यहां से कह सकते हैं इसकी वैल्यू आएगी एल एन 90 माइनस 5 क्यू अपॉन 90 1 अपॉन माइनस 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप देख लीजिएगा इसका इंटीग्रेशन करिएगा और लिमिट लगा दीजिएगा, यू विल गेट द सेम वैल्यू, ठीक है ना। और यहां से हमारा आ जाएगा दिस इज टी बाय 12, तो यहां से देखो क्या आता है, ये आता है आपका 90 माइनस 5 क्यू अपॉन 90 इक्वल टू दिस इज माइनस ई रेस टू माइनस 5 टी बाय 12, देखिए माइनस 5 उधर गया और एल एन समथिंग इक्वल टू क्या लिखा हुआ है समथिंग, तो यहां पे समथिंग इक्वल टू ई रेस टू समथिंग हो जाएगा, समझ आ रही है। तो यहां से क्या कह सकते हैं q इक्वल टू 90 बाय 5 1 माइनस ई रेस टू माइनस 5 टी बाय 12,
तो ये हो जाएगा 18 वन माइनस सी रेस टू माइनस 5t बाय 12 इक्वल टू क्यू. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू. बट ये क्यू वो नहीं है, ये वाला क्यू अलग है. ये क्यू क्या है? इस प्लेट का चार्ज एट टाइम टी पर. ये क्या है क्यू? द चार्ज ऑन दिस प्लेट, चार्ज ऑन दिस कैपेसिटर एट टाइम टी. सो दिस इज इक्वल टू 40 माइनस क्यू. ये क्या है बेसिकली? क्यू क्या है? कैपिटल क्यू. कैपिटल क्यू है 40 माइनस स्मॉल क्यू. तो कह सकते हैं दिस इज 40 माइनस 18 1 माइनस सी रेस टू माइनस 5t बाय 12. सो दिस इज द वैल्यू विच यू विल गेट. तो आप चेक भी कर सकते हो. देखो t इक्वल टू 0 डालिए. t इक्वल टू 0 पे देखो ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0. तो t इक्वल टू 0 पे 40 आ रहा है. t इक्वल टू 0 पे 40, ठीक है. t इक्वल टू 0 पे 40 है भी. अब t इक्वल टू इन्फिनिट डालो इसमें. t इक्वल टू जैसे इन्फिनिट डाला तो ये वैल्यू 0. तो ये 40 माइनस 18 कितनी होगी बोलो? 14 माइनस 18 22. और याद करो हमने 22 कैलकुलेट की थी लास्ट. अभी 22 कैलकुलेट की थी या नहीं की थी? फाइनल हमने 22 कैलकुलेट. ये कितने पे? 22. q की वैल्यू 22 किस पे है? q इक्वल टू 22 किस पे है? एट t इक्वल टू इन्फिनिट. एट t इक्वल टू इन्फिनिट q इक्वल टू 40 किस पे है? एट t इक्वल टू 0. तो t इक्वल टू 22 हमने t इक्वल टू इन्फिनिट पे यहां से फॉर्मूले से आ रहा है और हमने डायरेक्ट निकाला था. याद करो कैसे हमने ये माना था. क्या इनका चार्ज कांस्टेंट किया था, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल निकाला था. वो कितना निकाला था? 11 वोल्ट. याद करो 11 वोल्ट निकाला था या नहीं निकाला था? और 11 वोल्ट इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था तो हम कह सकते थे कि 11 मल्टीप्लाई बाय 2 वॉज द चार्ज ऑन दिस प्लेट एट फाइनल पोजिशन, फाइनल टाइम. वो क्या था? इन्फिनिट टाइम पर जब स्टेडी स्टेट आ गया था तब. तो यहां से भी देख सकते हैं कि q इक्वल टू 22 एट t इक्वल टू इन्फिनिट. और हम वहां से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे जहां हमने स्मार्ट तरीका बताया था वहां से भी निकाल सकते थे. तो टाइम किसी t पर भी आप ऐसे निकाल सकते हैं बड़े अच्छे से, ठीक है. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द फोर्स बिटवीन कैपेसिटर प्लेट्स. लिखिए